पहले आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी बैठक की और इस बैठक में सोमवार को आपातकालीन बहस का फैसला लिया गया है। बहस के पक्ष में 29 मत पड़े, इसके विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 ऐसे देश थे जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया है। सोमवार को ये बैठक होगी। बहस जो हुई उसमें 29 मत पक्ष में थे, विपक्ष में 5 वोट हुए हैं। 13 ऐसे देश थे भारत समेत जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो स्थितियां अब लगातार आगे बढ़ती हुई कुछ और दिशा, जहां पर यह सोचा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से कुछ सुलह हो पाए यूक्रेन संकट पर। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी बैठक की है और इस बैठक में सोमवार को आपातकालीन बहस का फैसला लिया गया है। इसके बहस के पक्ष में 29 मत पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने जो मतदान की प्रक्रिया रही उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। इससे पहले रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया था, उस समय भारत ने वोट नहीं किया था। It is regrettable that the situation in Ukraine has worsened further since the Council last convened on this matter. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. The global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states.